अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद स्कूल्स साहिवाल कैंपस। दिस इज द ऑनलाइन लेक्चर ऑफ मैथमेटिक्स ग्रेड 4, यूनिट नंबर 4, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। एंड दिस इज द फर्स्ट सेकंड लेक्चर ऑफ दिस यूनिट। एंड इन दिस लेक्चर वी विल कवर द पेजेस फ्रॉम 71 टिल 74। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, ओपन योर मैथ्स बुक एंड मैथ क्लास वर्क नोटबुक्स and make sure you have to listen to my lesson attentively. In this lecture, I will tell you about factor tree and prime factorization. First of all, I will tell you about the factor tree. What's the factor tree? A special diagram where we find the factors of a number, then the factors of those numbers, etc., until we can't factor anymore. The ends are all the prime factors of the original number. अब factor tree हमारे पास क्या होता है? एक special diagram होती है। उस special diagram में हम क्या करते हैं कि हम उस number के जिसका आप factor tree find कर रहे हैं, उस number के आप सारे factors find कर लेंगे। फिर आप क्या करेंगे? आप factors के भी आगे से factors सारे, मतलब तब तक आप उसके factors find करते रहेंगे जब तक आपके पास ऐसा number ना आ जाए जिसके कोई factor ना हो सके। मतलब आपको एंड में क्या आएंगे? सारे प्राइम फैक्टर्स आ जाएंगे ओरिजिनल नंबर के, मतलब आप उनको फैक्टराइज फैक्टराइज करते रहेंगे। एट द एंड आपके पास जस्ट प्राइम फैक्टराइज आ जाएंगे, प्राइम फैक्टर्स आ जाएंगे। अब प्राइम फैक्टर्स हमारे पास क्या होते हैं? प्राइम फैक्टर्स हमारे पास वो होते हैं कि प्राइम नंबर, अगर मैं किसी नंबर का फैक्टर ट्री फाइंड कर रही हूँ तो उसके जितने भी फैक्टर्स आएंगे उन फैक्टर्स में से जो प्राइम नंबर्स होंगे वो हमारे पास क्या होंगे? प्राइम फैक्टर्स। अब फर्स्ट एग्जांपल आपके पास है, लेट्स सपोज एक नंबर हम लोग सपोज कर लेते हैं। व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 24? मैंने नंबर सपोज कर लिया 24। अब मैं 24 के क्या फैक्टर्स होते हैं, 24 किस तरह से आते हैं, मैं वो सारे फाइंड करूंगी। वी कैन फैक्टराइज 24 इन दीज वेज। तो फर्स्ट क्या है हमारे पास कि अगर मैं 24 को 2 के साथ, 2 को 12 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो भी मेरे पास 24 आते हैं। इसी तरह से अगर मैं 3 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ तब भी मेरे पास 24 आता है। इसी तरह से अगर मैं 4 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ तब भी मेरे पास 24 आता है। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई करूँ 2 के साथ 4 आ गया, फिर मैं मल्टीप्लाई करूँ 2 के साथ, फिर मैं मल्टीप्लाई करूँ 3 के साथ, तब भी मेरे पास क्या आएगा? 12 आएगा। अब इन मेथड्स, इन वेज के थ्रू मैं 24 फाइंड कर सकती हूँ, 24 को फैक्टराइज कर सकती हूँ। लेकिन अब फैक्टर ट्री में हमारे पास क्या है कि मुझे सारे प्राइम फैक्टर्स चाहिए। अब यहाँ पे देखें, 12 इज नॉट अ प्राइम फैक्टर, 12 को हम आगे फैक्टराइज कर सकते हैं। इन दिस 8 इज नॉट अ प्राइम नंबर, प्राइम फैक्टर, वी कैन फैक्टराइज 8 फर्दर। नेक्स्ट 4 इज नॉट अ प्राइम फैक्टर, 6 इज ऑल्सो नॉट अ प्राइम फैक्टर। बट लुक in this diagram, all these numbers are prime numbers, so it means they are also the prime factors. अब ये हमारे पास कैसे आएगा, हम इसको देखते हैं डिटेल में। We can see that 24 equal 2 multiply 2 multiply 2 multiply 3, where all the factors are prime numbers. Now students, open page number 72. On page number 72, you have an example. And the example is, can you find the prime factors of 48? So now this is the task, that how you will find the prime factors of 48. So the first thing is you have to make a factor tree. 48, 2 multiply what? अब हम इसका फैक्टर ट्री बनाएंगे। वी कैन यूज प्राइम फैक्टराइजेशन टू फाइंड ऑल द फैक्टर्स ऑफ अ नंबर दैट आर प्राइम। अब 48 को मैं टू पार्ट्स में अगर डिवाइड करती हूँ तो एक मेरे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 24। आपने प्राइम नंबर, सबसे छोटा जो प्राइम नंबर है वहां से स्टार्ट करना है। सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारे पास क्या है? 2। आपने 2 से डिवाइड करना है 48 को, तो आपके पास आएगा 24। मतलब कि मैं अगर 2 को 24 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास 48 आता है। अब आप देख सकते हैं कि 2 हमारे पास आ गया प्राइम फैक्टर, बट 24 इज नॉट अ प्राइम फैक्टर। तो हम क्या करेंगे, 24 को फर्दर डिवाइड करेंगे। फिर मैं नेक्स्ट स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से डिवाइड करूंगी, वो मेरे पास है 2। 2 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें?
कि मेरे पास 24 आता है. यस, 2 मल्टीप्लाई 12. नाउ अगेन 2 इज अ प्राइम फैक्टर. नाउ 12. नाउ वी कैन फैक्टराइज 12 फर्दर. सो 2 से स्टार्ट करते हैं. 2 को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास 12 आएगा. 2 मल्टीप्लाई 6. नाउ 2 इज अ प्राइम नंबर बट 6 इज नॉट अ प्राइम नंबर. सो वी कैन फैक्टराइज इट. 2 मल्टीप्लाई 3 इट गिव्स यू द 6. नाउ वी कांट फैक्टराइज 2 फर्दर. वी कांट फैक्टराइज 3 फर्दर. सो इट्स मीन दीज आर द प्राइम फैक्टर्स. अब हमने क्या करना है, हमने जस्ट इनको प्राइम फैक्टर्स लिख ले रहे हैं. मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3. और हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे. वी कैन फाइंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ अ नंबर विद द हेल्प ऑफ अ फैक्टर ट्री. वी कैन ब्रेक डाउन द नंबर इनटू अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स. अब मैं क्या करूंगी, इनको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स में लिख लूंगी. मतलब 48 इक्वल 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3. नोटिस दैट ऑल द फैक्टर्स आर द प्राइम नंबर्स. अगर आप नोटिस करें तो सारे फैक्टर्स आपके पास क्या आए हैं, प्राइम नंबर्स. जी, और अगर आप इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर 48 आएगा. Now students, the next topic is prime factorization. What is a prime factorization? Prime factorization is finding which prime numbers multiplying together to make the original number. Prime factorization हमारे पास क्या होता है, वो इसलिए हम find करते हैं कि जो हम उन prime numbers को जब हम दोबारा से multiply करेंगे इकट्ठे, तो वो हमें क्या दे देंगे, original number दे देंगे. पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करेंगे. वी कैन ऑल्सो कैरी आउट प्राइम फैक्टराइजेशन यूजिंग डिवीजन. हम डिवीजन के थ्रू जो है वो प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं. अब हम देखते हैं ऐसे 48 है. 48 को मैं किससे, हमने छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करना स्टार्ट करना है. मैं क्या करती हूँ, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, 2. मैं 2 को 48 पे डिवाइड करती हूँ, 48 को 2 पे डिवाइड करती हूँ, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 24. अब इस 24 को भी मैं 2 पे डिवाइड करूंगी तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 12. अब इस 12 को भी मैं 2 पे डिवाइड करती हूँ तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 6. अब इस 6 को भी मैं 2 पे डिवाइड करती हूँ तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 3. अब जो 3 है वो 2 पे डिवाइड नहीं होगा तो हम नेक्स्ट प्राइम नंबर पे मूव करेंगे जो हमारे पास है 3. अब मैं 3 पे डिवाइड करूंगी तो मेरे पास आंसर 1 आ गया. हमने तब तक इसको डिवाइड करना करते रहना है जब तक हमारे पास यहाँ पे 1 ना आ जाए. जब हमारे पास यहाँ पे 1 आ गया, इट्स मीन वी कांट फैक्टराइज इट फर्दर. सो दैट्स इट. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू राइट डाउन, स्टार्ट डिवाइडिंग द नंबर विद द स्मॉलेस्ट पॉसिबल प्राइम नंबर. कैरी ऑन डिवाइडिंग विद द नेक्स्ट पॉसिबल प्राइम नंबर अंटिल वी रिड्यूस द नंबर टू 1. वही चीज जो मैंने आपको भी पहले बताई है कि आपने स्टार्ट करना है कहाँ से, सबसे छोटे प्राइम नंबर से. और फिर आपने, अगर आपका सबसे छोटे प्राइम नंबर से नहीं डिवाइड हो सकता, जैसे यहाँ पे हमारे पास 2 से नहीं 3 डिवाइड हो सकता था, तो फिर मैं नेक्स्ट प्राइम नंबर पे मूव कर दी थी. आप नेक्स्ट प्राइम नंबर पे मूव कर जाए और तब तक आपने डिवाइड करते रहना जब तक आपके पास यहाँ पर 1 ना आ जाए. प्राइम फैक्टराइजेशन कैन ऑल्सो हेल्प अस टू फाइंड HCF एंड LCM ऑफ अ पेयर ऑफ नंबर्स. प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो हमें हेल्प करती है कि हम HCF और LCM जो है वो नंबर्स, पेयर ऑफ नंबर्स जो है उनका फाइंड कर सके. अब वो कैसे, वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. पहला हमारे पास क्वेश्चन है ऑन पेज नंबर 73, फाइंड द LCM ऑफ 12 एंड 16. सबसे पहले मैं क्या करती हूँ कि मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करती हूँ दोनों नंबर्स की सेपरेटली. मैं पहले 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेती हूँ. 2 को डिवाइड करेंगे 12 पे तो मेरे पास आंसर 6 आ जाएगा. फिर 2 को डिवाइड करेंगे तो मेरे पास आंसर 3 आ जाएगा. 3 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर मेरे पास 1 आ जाएगा. इसी तरह से 16 को करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा. 2 पे डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा. 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा. 2 पे डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा. अब मैं क्या, So the factors of 12 is 2 multiply 2 multiply 3 and the factors of 16 is 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2. Now these are the common factors. These two are the common factors and these two are the common factors.
Now, what's the eighth LCM? How you will find out the LCM? First of all, you have to find out the common factors that 2 multiply 2. Now, you have to find out the uncommon factors, product of uncommon factors, 3. ये अब आपके पास अनकॉमन फैक्टर्स हैं जो कहीं पे भी नहीं है जो एक्स्ट्रा बच जाएंगे 3 × 2 × 2. अब एलसीएम आपके पास किसके इक्वल होता है? एलसीएम आपके पास इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ अनकॉमन फैक्टर. कॉमन फैक्टर आपके पास क्या है? 2 × 2. आपके पास क्या है? 2 × 2. और अनकॉमन फैक्टर आपके पास क्या है? 3 × 2 × 2. So the product of all these numbers will give the least common multiple. आप इन सबको multiply करें और आप जब इनको multiply कर देंगे तो आपके पास least common multiple आ जाएगा. तो आपके पास वो LCM क्या आ जाएगा? 48. Now next is, अब आपने HCF find करना है. ये आपके पास इनके factors हैं. अब common circle all the factors common in both list. कॉमन फैक्टर्स कर देंगे और HCF हमारे पास क्या आएगा? प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स. सो HCF इज 2 × 2 = 4. नाउ स्टूडेंट्स प्रैक्टिस जोन ऑन पेज नंबर 73 क्वेश्चन नंबर 1 सी पार्ट. फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. सी पार्ट आपके पास 18 और 54. आपने 18 और 54 का HCF फाइंड करना है. तो पहले मैं क्या करूंगी? 18 और 54 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लूंगी. 18 को डिवाइड करती हूँ मैं 2 पे तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 9. अब 9 जो है वो 2 पे डिवाइड नहीं हो सकता, इसलिए हम नेक्स्ट प्राइम नंबर पे जाएंगे जो हमारे पास क्या है? 3. सो 3 / 3. नाउ अगेन 3 पे डिवाइड करूंगी तो मेरे पास आंसर 1 बच जाएगा. अब मैं इसको नेक्स्ट फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकती. अब नेक्स्ट 54 को करेंगे, 2 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर 27 आ जाएगा. अब 27 भी अगेन 2 पे डिवाइड नहीं हो सकता तो मैं क्या करूंगी? 3 पे डिवाइड करूंगी. 3 9s are 27. फिर इसको 3 पे डिवाइड करती हूँ, 3 3s are 3 1s are. अब मेरे पास 1 आ गया. अब मैं इसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकती. अब मैं क्या करती हूँ कि इनको वैसे ही HCF हम कैसे फाइंड करेंगे? मैं पहले कॉमन फैक्टर्स लिखूंगी. मैं पहले इनके सारे फैक्टर्स लिख लेती हूँ. ये जो साइड पे आएंगे फैक्टर्स ये मैंने लिख लिए. अब मैं क्या करती हूँ कि कोई कॉमन फैक्टर जो है वो उनको सर्कल कर लेती हूँ. ये मेरे पास क्या आ गया? कॉमन फैक्टर. और HCF आपके पास किसके इक्वल होता है? प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स. मतलब 2 × 3 × 3. 2 × 3 = 6. 6 × 3 = 18. सो इट्स मीन द HCF ऑफ 18 और 54 = 18. Now students, question number 2, C part, practice zone on page number 73. Find the LCM of the following numbers by prime factorization method. 25 and 100. मैं पहले इनकी prime factorization कर लूँगी. 25, अब देखें 25 2 पे भी नहीं होगा, 3 पे भी नहीं होगा, 5 पे होगा तो मैं 5 पे divide करूँगी. 5 5s are 25, then 5 1s are 5. अब next हमारे पास 100 है. 2 5s are 10 0 50 2 25 आ जाएगा. 25 फिर 5 पे डिवाइड होगा, मैं 5 पे कर लूंगी तो मेरे पास नेक्स्ट एंड पे 1 बच जाएगा. अब आपने इनके सारे फैक्टर्स लिख लेने हैं. यहाँ पे 25 के आपके पास फैक्टर क्या है? 5 × 5. और 100 के आपके पास क्या है? 2 × 2 × 5 × 5. अब कॉमन फैक्टर्स को हम सर्कल कर लेंगे तो आपके पास 5 और 5 कॉमन आ जाएगा. अब आप कॉमन फैक्टर्स आपके पास क्या है? 5 × 5. अब एलसीएम के लिए आपने अनकॉमन फैक्टर्स भी लिखने होते हैं. अनकॉमन फैक्टर्स हमारे पास क्या है? 2 × 2 आएगा. सो एलसीएम इज प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ अनकॉमन फैक्टर्स. तो मेरे पास वो क्या आ जाएगा? 2 × 2 = 5 × 5. तो मेरे पास इक्वल क्या आ जाएगा? 100 के. So the product of 5 × 5 × 2 × 2 will give the least common multiple. Now students, practice zone question number 3, C part.
draw the factor tree of the following numbers. C part is 65. अब हम 65 के factor tree draw करेंगे. 65 को कौन से ऐसे दो number हैं जिनसे multiply करें. Smallest factor number से हम prime number से करेंगे. 2 पे नहीं होगा, 3 पे भी नहीं होगा. तो मैं क्या करती हूँ, उसको 5 पे divide करती हूँ. जब मैंने 5 पे divide किया तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 13. 5 को मैं 13 से multiply करती हूँ तो मेरे पास क्या आता है, 65. And now they both are the prime numbers. So we can't divide it further. We can't factorize it further. So 65 equal 5 multiply 13. Where all the factors are prime numbers. Now students, you have a homework. Page number 73. Question number 1. AB. Question number 2. AB. Page number 77. Do question number 3. A and B part. Practice zone. Do on notebook. The question number 3, A and B part, you have to do it on your maths homework notebook. Okay, students, this is the end of our lesson. Allah Hafiz.